नमस्कार, बलिया लाइव के डेली पॉडकास्ट हाल समाचार में आपका स्वागत है। जिला जवार की लेटेस्ट बातें जानिए हमारे रेजिडेंट एडिटर कृष्णकांत पाठक से। नगवा गांव में गुरुवार की रात में काली पूजा के दौरान पंडाल में लगे लोहे के पाइप से बिजली का करंट उतर जाने से शिक्षक के भतीजे की मौत हो गई। नगवा गांव में काली मंदिर पर पूजा करने के लिए पहले से ही पंडाल लगाया गया था। गांव की महिलाएं गुरुवार की शाम पूजा कर रही थी। यहां पर अंजनी पाठक 21 साल पुत्र रामजी पाठक निवासी नगवा अपनी घर की महिलाओं के साथ काली मंदिर गए थे। पंडाल में लगे लोहे के पाइप में किसी तरह से बिजली का करंट प्रवाहित हो गया, इससे वहां भगदड़ मच गई। तत्काल लाइट काटा गया और झुलसे युवक अंजनी पाठक को चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। मृतक युवक अंजनी कुमार पाठक दो भाइयों के बीच इकलौता पुत्र थे। शुक्रवार की सुबह शिवरामपुर घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। मुखाग्नि उनके पिता रामजी पाठक ने दी। हल्दी थाना क्षेत्र के सीताकुंड निवासी कृपा शंकर गुप्त 63 वर्ष 3 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ पुलिस से रिटायर्ड हुए थे। 2 वर्ष पूर्व इनके पत्नी का निधन हो गया। तब से वे शराब का सेवन करने लगे थे। शुक्रवार को भी वे शराब पीकर आए थे। किसी समय वे पंखे के हुक से झूल गए। सूचना पाकर पहुंची हल्दी पुलिस ने शव का पंचनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई मुझे मेरे बलिया की खबर बताए 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 बताए। तो सखवारे, मैं तुम्हारी बलिया प्रेम से प्रसन्न हुई बाल। ये ले, ये बलिया लाइव चैट इन है, जहाँ पर छोले मोहल्ले से लेकर के शहर तक की खबरें मिलती हैं, वो भी ताजा और शुद्ध। शुद्ध मतलब बलिया लाइव। जा चले अपनी जिंदगी, इतना सा ख्वाब है और बलिया लाइव। सेवानिवृत्त शिक्षक मनियर इंटर कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर सीताराम सिंह उम्र 75 वर्ष बृहस्पतिवार को सायं 4 बजे उनका निधन हो गया। मनियर बहेरा नाले के किनारे शुक्रवार को शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजय दशमी पर शुक्रवार को जिले के भिन्न भिन्न स्थानों पर शास्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूर्ण गणवेश में सजे संघ के स्वयंसेवकों ने शास्त्र पूजन के बाद विजयादशमी पर्व में शामिल लोगों को शुभकामनाएं दी। दुबहण क्षेत्र के नगवा गांव में चिरसेन ब्रह्म बाबा के स्थान पर 7 अक्टूबर से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का शुक्रवार को हवन एवं भंडारे के साथ समापन हो गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान विमल पाठक, राजेश पाठक, ब्रिगेश पाठक, सूर्यनारायण पाठक, रामनाथ पांडे, बसंत पांडे, काशीनाथ यादव, छट्टू प्रसाद चौरसिया आदि मौजूद रहे। बलिया के महावीर घाट स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री महामंत्र का सामूहिक अखंड जाप की पूर्णाहुति में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में अपने आत्म कल्याण, परिवार कल्याण एवं पूरे समाज के कल्याण के लिए दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन व संत प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए श्रद्धापूर्वक यज्ञशाला में गायत्री परिजनों द्वारा आहुतियां समर्पित की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने दशहरा के मौके पर शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हर्ष टीवीएस का फीता काटकर शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, रवि भूषण मिश्र, चंद्रभूषण मिश्र ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग एवं ग्राहक मौजूद रहे। नमस्कार।